नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त बिजनेस, धासु बिजनेस करने वाली कंपनी के बारे में, जो इलेक्ट्रिक का बिजनेस करती है, मतलब कि वायर, स्विच और कुछ दूसरी डिवाइसेस बनाती है कंपनी। लेकिन इसकी अगर बात करें, फिलहाल जो है स्मॉल कैप या मिड कैप बोल सकते हो, और आने वाले टाइम में मल्टी बैगर जो है रिटर्न बना करके दे सकती है कंपनी। हालांकि इसका फिलहाल का जो कैपिटल है वो स्मॉल कैप या मिड कैप के बीच में आने वाला है दोस्तों। और यदि बात करें इसकी, तो लार्ज कैप बनने की हिम्मत रखती है कंपनी, इतना सॉलिड जो है रिटर्न बना करके दे सकती है कंपनी। तो कंपनी का नाम मैं बता देता हूं दोस्तों, कंपनी की बात करें पॉली कैप शेयर की, ठीक है। तो पॉली कैप लिमिटेड की बात करें तो आज ही के दिन जो है 2.8% के आसपास की जो है अच्छी तेजी देखने को मिली है। यदि बात करें इसने जो रिकवरी की है उसकी, तो इसकी वो दिखा देता हूँ कि कितनी इसने जो है रिकवरी की है। तो 18-19% के आसपास की जो है इसने रिकवरी कर ली है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में देखिए 21% के आसपास का जो है प्रॉफिट इस कंपनी ने बना करके दिया है। मतलब कि लंबे टाइम में यदि आप इस स्टॉक के रखते हो तो आप समझिएगा कितना जो है ज़बरदस्त रिटर्न बना सकती है कंपनी। आप यदि बाय ऑन डिप्स करते हो तो अच्छा खासा जो है रिटर्न इस कंपनी से आप बना सकते हैं दोस्तों। तो मैं कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ लेकर के चलता हूँ, उसके बाद जो है नंबर देखें कि ये जो कंपनी है वो कैसे नंबर बना रही है, ठीक है। मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इसके प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और जो है कंपनी में क्या खास क्वालिटी है। तो बात करें इसके प्रोडक्ट की, तो कंपनी बनाती है स्विचेज, केबल, वायर, फैन, लाइटिंग, लुमिनर्स, मतलब कि छत पे जो डेकोरेशन का काम होता है लाइटिंग वाला, वो भी ये कंपनी जो है बनाती है उसके प्रोडक्ट। यदि बात करें टेलीकॉम में भी आगे है कंपनी, सोलर में भी आगे है, पंप्स जो ट्यूबवेल वगैरह में जो यूज होते हैं वो पंप बनाती है कंपनी, एप्लायंस बनाती है, यूपीवीसी जो है मतलब कि जहाँ पे फिटिंग होती है बिजली की, वायर की, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, वो उसकी जो है गैजेट से कंपनी बनाती है। और इसी के साथ यदि बात करें स्विच गियर बनाती है कंपनी, जहाँ से पूरे घर का जो कंट्रोल होता है बिजली का कनेक्शन, वो ये प्रोडक्ट बना रही है कंपनी। इसी के साथ ईपीसी भी ये कंपनी जो है बना रही है, मतलब कि जितने बड़े जो टावर होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, वो भी ये कंपनी उसके प्रोडक्ट जो है, उसके जो है गाटर वगैरह आप बोल सकते हो, वो ये कंपनी बना रही है। तो आप समझ सकते हैं इसके प्रोडक्ट, देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, बढ़िया बढ़िया जो है प्रोडक्ट बना रही है और मार्केट लीडर है कंपनी, ठीक है। वायर सेक्टर में यदि बात करें तो मार्केट लीडर है। इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप जो है रिजल्ट देखोगे, इतने गजब आ रहे, इतने धासु आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है मल्टी बैगर ये यहाँ से बनने वाला है स्टॉक। और फिलहाल जो है मिड कैप बोलो आप इसको, तो मिड कैप जो कंपनी है वो जल्दी जो है लार्ज कैप में तब्दील होने वाली है। इसका जो मार्केट कैप है इतना ज़बरदस्त ग्रो होने वाला है, ठीक है। तो इसके नंबर पर चलते हैं कि नंबर क्या बोलते हैं, उसके बाद देखें कि कितना जो है रिटर्न बना सकती है कंपनी। इसकी अगर बात करें तो पॉलीकैप जो है इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है केबल और वायर की, ठीक है। इसी के साथ साथ यदि बात करें यूपीवीसी, ये मतलब जो इसमें यूज होते हैं इलेक्ट्रिक, जो घर में जो हम फिटिंग करते हैं इलेक्ट्रिक की, उसमें जो है स्विच गियर, स्विचेज, एलईडी लाइट और लुमिनस सोलर इन्वर्टर ये कंपनी बना रही है, ठीक है। 25 साल का इसको एक्सपीरियंस है कंपनी को। यदि बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी तो 20% का ज़बरदस्त है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 24% का, वो और भी ज़बरदस्त है। इसकी अगर बात करें पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स की, तो पॉजिटिव पॉइंट बात कर लेते हैं, तो कंपनी डेट फ्री है, मतलब कि कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, और क्वार्टरली जो रिजल्ट है इतने गजब के आ रहे हैं, मतलब ज़बरदस्त, ठीक है। इसी के साथ यदि बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 36% की सीएजीआर के साथ जो इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं हर साल, जो है 36% की जो है प्रॉफिट इसके ग्रो कर रहे हैं हर साल, मतलब कि 100% के ऊपर हर साल आना, 136, फिर 136 के ऊपर 36%, फिर 136% से भी ज़्यादा का जो है हर सालाना कंपाउंडिंग के साथ जो है इसके प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। इसी के साथ यदि बात करें नेगेटिव फैक्टर की, इसकी जो सेल है वो कम हुई है थोड़ी सी, लास्ट 5 सालों से 11% के आसपास की रही है, तो ये एक छोटा सा नेगेटिव फैक्टर है। लेकिन आने वाले टाइम में यदि आप छोटे कस्बों में या कहीं पर जाओगे तो इसकी अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त जो है रिटर्न ये कंपनी बना सकती है, क्योंकि फिलहाल जो है मिड कैप है। मैं कैपिटल की तरफ लेकर के चलता हूँ, तो 40,000 करोड़ का जो है कैप है इसका, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जो है लार्ज कैप ये कंपनी बन सकती है। यदि बात करें इसके जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट के, तो वो देख लेते हैं कि कैसे इसकी सेल हो रही है।
यदि बात करें 2018 की तो 6700 करोड़ की सेल हुई है, फिर लगभग 8000 करोड़ की, फिर 8800 करोड़ की, फिर लगभग 9000 करोड़ की जो है सेल हुई है। मतलब कि इसकी सेल जो है लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही है। इसी के साथ यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में 358 करोड़ के नेट प्रॉफिट, फिर 500, फिर 760 करोड़ के, फिर 882 करोड़ के नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इसी के साथ यदि आप सेल देखोगे तो वो भी बढ़ रही है, मतलब इसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं मार्केट में अच्छी खासी तेजी के साथ। इसी के साथ जो है प्रॉफिट में भी इसके जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा दे रहे हैं। कंपनी की अगर बात करें तो एक साल में जो कंपाउंड दिया है, CAGR जो दिया है वो 92% का है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। हालांकि लॉन्ग टर्म में कंपनियां इतना रिटर्न नहीं दे पाती, हम मान के चलेंगे सिर्फ 35% का कंपाउंडिंग CAGR, उसके अकॉर्डिंग देखें कि हमारा जो पैसा है कितना बना सकती है कंपनी। रिजर्व की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास 4700 करोड़ के जो है रिजर्व है, सेविंग में पैसे है। इसी के मुकाबले में कर्ज देखोगे तो सिर्फ 247 करोड़ का कर्ज है, जो कि 4700 करोड़ के सामने कुछ भी नहीं है कर्ज, ठीक है, तो माइनर सा कर्ज है, मान के चलिए डेब्ट फ्री ही कंपनी है, ठीक है। और यदि बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की तो 68% की प्रमोटर होल्डिंग है, FII की जो है 6.43% की होल्डिंग है, DI की बात करें तो 8% की होल्डिंग है, पब्लिक 16% के आसपास की होल्डिंग इसमें रखती है। हालांकि इससे ज़्यादा रखनी चाहिए पब्लिक को, क्योंकि इसमें जो है इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है स्टॉक के अंदर, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा ये बना करके देगा, 100% बना करके देगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे पास जो है अच्छी खासी अमाउंट में जो है पॉलीकैब मैंने ले रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है ज़बरदस्त स्टॉक है, क्योंकि मैं खुद भी जो है इसमें इतना अच्छा खासा जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ आप देख लेते हैं यदि 35% का कंपाउंडिंग ये स्टॉक दे तो कितना पैसा हमारा बन सकता है दोस्तों SIP के जरिए। तो 2000 रुपये हम मान के चले इन्वेस्ट करें हर महीने, ठीक है, और सिर्फ 35% का कंपाउंडिंग दे ये कंपनी, तो देखते हैं 10 सालों में कितना पैसा बन सकता है दोस्तों। तो सिर्फ और सिर्फ 2000 की इन्वेस्टमेंट से मंथली आपके पास जो है 10 सालों बाद 21 लाख रुपए होंगे दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो 10 साल तक कंटिन्यू रखते हो SIP। तो अब देखते हैं कि 15 साल तक अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं 2000 रुपये के साथ, हर महीने 2000 रुपये इसमें डाल देते हैं, तो हमारा जो पैसा है कितना बन सकता है, तो हमारा जो पैसा बनेगा वो बनेगा 1,24,00,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ 15 सालों में। और मैंने जो कंपाउंडिंग लिया है वो 35% का कंपाउंडिंग लिया है, जो कि बहुत कम लिया है। हालांकि फिलहाल का जो कंपाउंडिंग है वो 90 से ज़्यादा का है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि कंपाउंडिंग जो है स्टार्टिंग में अच्छा खासा ये कंपनी देने वाली है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं बेझिझक। हालांकि इस पर स्टडी और रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है स्टॉक, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि मैं इससे मोटिवेट हो सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा सकूँ। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।